खोलेंगे सबके राज, राजनामा दुनिया के साथ, मैं पूनम। तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने शनिवार को कहा कि अगले 25 सालों में भारत पूरी दुनिया में सनातन धर्म की रोशनी फैलाने में सक्षम हो जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि आप कमज़ोर हैं तो आप दुश्मनों से घिरे हुए हैं, यदि आप मजबूत हैं तो आपके पास दोस्त है, यही भारत की डेस्टिनी है। उन्होंने शुक्राचार्य के लिखे ग्रंथ शुक्र निधि का एक संस्कृत श्लोक भी बोला। चेन्नई में एक सार्वजनिक सभा में रवि ने कहा कि पीएम ऐसे व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि भारत क्या है और उसके लोगों की शक्ति क्या है। उन्होंने एक रास्ता तय किया है जिसे वे अमृतकाल कहते हैं। पीएम ने अपनी उपस्थिति के माध्यम से एक देवी आदेश निर्धारित किया है। राज्यपाल ने यह भी कहा कि जो लोग सनातन धर्म का पालन नहीं करते हैं उन्हें आज भी खुशी से स्वीकार किया जाता है। गवर्नर रवि गुरुवार को उस समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने कैश फॉर जॉब स्कैम के आरोप में जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को बर्खास्त कर दिया था। इसके 5 घंटे बाद उन्होंने फैसला वापस ले लिया था। कहा जा रहा है राज्यपाल में सेंथिल को बर्खास्त करने के लिए सीएम एम के स्टालिन से भी राय मशवरा नहीं किया गया था। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।